तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो देखो, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आपका रिवर इंजीनियरिंग का। हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे, तो आज का जो टॉपिक है रिवर इंजीनियरिंग में, वो हमारा आज का टॉपिक है आपका डाइवर्जन एंड कॉफर डैम। डाइवर्जन और जो कॉफर डैम है, ये वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज किए जाने वाले इंजीनियरिंग टेक्निक्स है, जिसकी मदद से वाटर को मैनेज किया जाता है और वहाँ पे हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना। यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो डाइवर्जन के बारे में बात किया जाए, तो डाइवर्जन जो है एक ऐसा मेथड होता है जिसका यूज जो है किया जाता है रीडायरेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर अवे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट और अ स्पेसिफिक एरिया, है ना। जो भी कंस्ट्रक्शन साइट होता है या स्पेसिफिक एरिया होता है, वहाँ से फ्लो ऑफ वाटर को रीडायरेक्ट करने के लिए, यानी जो फ्लो ऑफ पाथ होता है जहाँ पे हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, वहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर को क्या किया जाता है, दूसरी ओर दूसरे डायरेक्शन में मोड़ने के लिए, यानी दूसरे डायरेक्शन में भेजने के लिए किया जाता है। इट इज कॉमनली एम्प्लॉयड व्हेन वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व बिल्डिंग डैम, ब्रिज, टनल्स, परफॉर्मिंग मेंटेनेंस और रिपेयर ऑन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। जो भी वाटर पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, चाहे टनल हो, ब्रिज हो या कोई बिल्डिंग डैम्स हो, है ना, कोई डैम वगैरह बना रहे हो, तो इस तरीके का जो भी वर्किंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उस कंडीशन में जो है किए जाते हैं। बाय डाइवर्टिंग वाटर द कंस्ट्रक्शन साइट और द एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैन बी टेम्पररली ड्राइड आउट फैसिलिटेटिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ये क्या करता है कि जब उस एरिया से वाटर को क्या किया जाता है, डाइवर्ट कर देता है, तो जिस एरिया पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है या जिस एरिया में हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग इंटरेस्टेड हैं, उस एरिया को वो सूखा कर देता है, मतलब वहाँ से पानी को हटा देता है और वहाँ पे जो हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को करते हैं। डाइवर्जन जो चैनल होता है या जो टनल्स होते हैं, वो क्रिएट करता है एक री रूट को वाटर में अराउंड द साइट, है ना, साइट के अराउंड। दीज चैनल्स आर ऑफन डिजाइन टू हैंडल द एंटीसिपेटेड फ्लो रेट एंड प्रिवेंट फ्लडिंग और डैमेज टू सराउंडिंग एरिया। जो भी उसके आसपास के एरियाज है, उसमें बाढ़ वगैरह की खतरा ना आ जाए, है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और जो एंटीसिपेटेड फ्लो रेट है उसको भी हैंडल करने के लिए जो है इस तरीके का चैनल, यानी डाइवर्जन चैनल जो है बनाया जाता है। वंस द डाइवर्जन इज इन प्लेस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैन टेक प्लेस इन द ड्राई एरिया विदाउट रिफ्रेंस इंटरफेरेंस फ्रॉम वाटर। वाटर के बिना कोई इंटरफेरेंस के हम लोग जो है उस ड्राई एरिया पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं, जैसे ही हमारा डाइवर्जन जो है हो जाता है वाटर का तब। ओके, उसके बाद आता है आपका कॉफर डैम। ये भी आपका एक टेम्पररी इनक्लोजर या स्ट्रक्चर्स होता है जो वाटर बॉडीज के अंदर, यानी विद इन वाटर बॉडी में बनाया जाता है। ये एक ड्राई वर्किंग इन्वायरमेंट जो है जनरेट कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, ड्राई वर्किंग इन्वायरमेंट जो है क्रिएट कर देता है। इट इज कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर अ फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल वर्क इन वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक, ओशियन। इन सभी में अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, खासकर हम लोग जो है फाउंडेशन तैयार कर रहे होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर्स का, तो उस कंडीशन में जो है कॉफर डैम बनाते हैं। कॉफर डैम क्या होता है, मान लो ये नदी है आपका, फ्लो है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में जो है ये हमें कॉलम बनाना है, तो कॉलम का फाउंडेशन देना है, तो यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल बना देते हैं, है ना, और ये एक तरीके का डैम का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अंदर का जो पानी होता है वो निकाल कर बाहर कर दिया जाता है और अंदर का जो लोकेशन होता है उसको एकदम ड्राई कर दिया जाता है, तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, कॉफर डैम कहते हैं। कॉफर डैम आर टाइपिकली मेड ऑफ सीट पाइल, जनरली सीट पाइल या कंक्रीट या
स्टील सीटिंग का जो है आपका बना होता है। जो मेन पर्पस होता है कॉपर साइट का वो ये होता है कि आइसोलेट करना जो भी कंस्ट्रक्शन एरिया है वाटर में या फ्रॉम वाटर, उसको जो है आइसोलेट करने का काम करता है, यानी अलग करने का काम करता है। अलाउइंग द कंस्ट्रक्शन वर्क टू बी परफॉर्म्ड इन ड्राई एनवायरनमेंट, है ना, ड्राई एनवायरनमेंट में कंस्ट्रक्शन वर्क को अलाउ करके ताकि परफॉर्मेंस हमारा अच्छा से कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा सके। द इनक्लोज्ड स्पेस इज पम्प्ड आउट टू रिमूव द वाटर क्रिएटिंग अ ड्राई वर्क स्पेस फॉर एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग फाउंडेशन, रिपेयरिंग अंडर वाटर स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज पियर्स। तो इन सभी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो क्लोज्ड एरिया होता है उसमें से पंपिंग आउट करते हैं जो भी उसमें वाटर होता है और पानी को हम लोग जो है रिमूव कर लेते हैं ताकि ड्राई स्पेस हमारा बन सके। वंस द कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड, जैसे ही एक बार कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होगा जो कॉफर डैम है कैन बी डिसमेंटल्ड, है ना, जो कॉफर डैम है उसको जो है नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। एंड वाटर इज अलाउड टू फ्लो बैक इनटू द ओरिजिनल एरिया, और अगेन फिर जो है वाटर फ्लो करने के लिए जो है जो उसका ओरिजिनल एरिया था उसको अलाउ कर देंगे कि भाई जाओ बट्टा अब तुम अपना फ्लो करते रहो, लेकिन उससे पहले जो है तुमको फ्लो नहीं करना है। ये जो है यहाँ पे आपका बोला गया है। तो ये आपका जो है डाइवर्जन और कॉफर डैम के बारे में हम लोग देखें। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है आपका आज का ड्रेजिंग एंड डिस्पोजल, है ना, ड्रेजिंग एंड डिस्पोजल। ड्रेजिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं या जो डेब्रिस होते हैं या जो भी अदर मटेरियल होते हैं जो वाटर बॉडीज के बॉटम में या जो है क्या होता है आपका सेटल्ड होता है, जैसे रिवर लेक्स या हार्बर्स का जो बॉटम बॉडीज होता है उसको में जो मटेरियल्स आपका जो है सेटल होता है बॉटम में उसको जो है ड्रेजिंग जो है आपका प्रोसेस के अंतर्गत उसको क्या किया जाता है रिमूव करने का काम किया जाता है, है ना। यानी ड्रेजिंग जो प्रोसेस है उसमें जो सेडिमेंट दबे हुए हैं या बॉटम पार्ट में सेटल्ड है उसको रिमूव करने के लिए जो है किया जाता है। इट इज़ टाइपिकली डन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव नेविगेबिलिटी, कंट्रोल फ्लड और एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मटेरियल। जो भी वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना, नेविगेशन को बेटर करने के लिए, साथ ही साथ फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। ऑब्वियसली जब हम लोग जो डेप्थ है वाटर बॉडीज का जो डेप्थ है उसको अगर इम्प्रूव करेंगे तो जो वाटर लेवल है वो हमारा डिक्रीज करेगा। जो अभी मान लो कि ये आपका जो है रिवर है, है ना, इसका वाटर लेवल जो है मान लो अभी जो है 5 मीटर है और इसमें जो है 3 मीटर जो है आपका क्या है सेडिमेंट सेटल्ड है, है ना, सेटल्ड पार्टिकल है। अब ये 3 मीटर जो सेटल्ड है अगर इस 3 मीटर को और अगर हम लोग खाली कर दें, है ना, ये अगर 3 मीटर को अगर और हम लोग खाली कर दें यानी उस वहाँ से जो भी मटेरियल था उसको अगर ख़त्म कर दें तो यहाँ पे अगेन हमारा ये जो 5 मीटर है ये नीचे आ जाएगा, यानी जो वाटर लेवल होगा जो अभी है उसके रिस्पेक्ट में तो रिड्यूस हो जाएगा ना वाटर लेवल, तो वो जो है आपका यहाँ वाटर सरफेस लेवल जो है आपका रिड्यूस हो जाता है और उससे जो है फ्लड को कंट्रोल किया जाता है। ड्रेजिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट सच एज ड्रेजेज और एक्सकेवेटर, ताकि जो मटेरियल्स हैं वाटर बॉडीज में जो सेटल्ड हैं रिवर बेड में या लेक में या हार्बर के बेड में उसको जो है रिमूव करने के लिए। जो ड्रेज्ड मटेरियल्स होते हैं वो कंसिस्ट करता है मड, सिल्ट, सैंड, रॉक और भी कई तरीके के सब्सटेंसेस आपके होते हैं, तो ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको जो है रिमूव किया जाता है। ऑब्वियसली जब रिमूव कर लेंगे, मान लो कि जो भी ड्रेज्ड मटेरियल हम लोग रिमूव कर लिए, अब उसको डिस्पोज भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको तो रखना पड़ेगा, ले जाकर फेंकना पड़ेगा या रखना पड़ेगा प्रॉपरली, तो प्रॉपर डिस्पोजल भी ज़रूरी है। तो डिस्पोजल जो है हम लोग जो है ड्रेज्ड मटेरियल कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके का मटेरियल है और उसका कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे जो हम लोग डिस्पोजल करते हैं, साथ ही साथ एक लोकल रेगुलेशंस और इन्वायरमेंट को देखते हुए जो है
हम लोग उसका डिस्पोजल करते हैं। कई सारे मेथड्स होते हैं डिस्पोजल के, जिसमें सबसे पहला मेथड आता है आपका कंटेनमेंट, है ना। कंटेनमेंट मेथड में क्या होता है कि जो ड्रेज मटेरियल्स होते हैं उसको प्लेस किया जाता है एक डिजाइनेटेड कंटेनमेंट एरिया में, सच एज लैंडफिल्स या कोई स्पेशल कंस्ट्रक्शन डाइक्स है या वर्म्स है, वहाँ पे जो है हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी ड्रेज्ड मटेरियल्स हैं यानी जो भी सेडिमेंट रिमूव किए हम लोग रिवर के बेड से, उसको जो है हम लोग एक स्पेशल जगह पे रख देते हैं, है ना, एक कंटेनमेंट बनाकर उसको जो है लैंडफिल भी हम लोग नॉर्मली जो है कहते हैं कि लैंडफिलिंग जो है किया जा रहा है। दीज कंटेनमेंट एरिया आर डिजाइन टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ कंटेनमेंट इन टू द एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट में इसको रिलीज करने से क्या करता है, रोकने के लिए जो है कंटेनमेंट एरिया जो है ये सारे बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपका बेनिफिशियल यूज आपका है कि कुछ वैसे भी एरियाज हैं जहाँ पे ड्रेज मटेरियल जो है आपका सूटेबल होता है यानी बेनिफिशियल होता है, जैसे इट कैन बी यूज फॉर बीच नॉरिशमेंट, है ना, वेटलैंड रेस्टोरेशन, लैंड रिक्लेमेशन या कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो ड्रेज मटेरियल है उसका कई बार जो है आपका यूजफुल होता है, तो उस जगह पे भी जो है इसको ले जाकर छोड़ दिया जाता है कि भाई आपके यूज के लिए मटेरियल है। लेकिन ये सभी केसेस में नहीं होता है, कुछ केसेस में ही ये चीज़ें जो है आपका होता है। प्रायर इसका जो यूज होता है वो किया जाता है और मटेरियल का टेस्ट किया जाता है, उसको देखा जाता है कि हाँ भाई जो कंस्ट्रक्शन हम लोग करने वाले हैं क्या वो कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा जो मटेरियल है वो सारी क्रिटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सारी क्रिटेरिया को मीट कर रहा है तभी जो है उस मटेरियल का जो है कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका जो है ओपन जो है आपका डिस्पोजल किया जाता है, जो कि जनरली ओशियन डिस्पोजल आपका होता है, मतलब ओपनली जो है ओशियन में यानी समुद्र में ले जाकर जो है फेंक दिया जाता है। तो एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस और सब्जेक्ट जो होते हैं स्पेसिफिक रेगुलेशंस के, तो उसमें जो है क्या होता है कि जो ड्रेज्ड मटेरियल्स होते हैं उसको डिस्पोजल के लिए ओशियन में छोड़ दिया जाता है। टाइपिकली ये जो मेथड्स है इसको जो है हम लोग प्लेस करते हैं मटेरियल को एट डिजाइनेटेड ऑफशोर साइट पे, जहाँ पे केयरफुली मॉनिटर्ड किया जाता है और मिनिमम एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर इसको जो है देखते हुए जो है ओशियन में जो है जो ड्रेज्ड मटेरियल था उसको क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है।